एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास। दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को निरूपित करना है, यानी कि यह बताना है कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 कहां पे है। कहने का मतलब यह है कि अब देखो, अब ये हमारे पास संख्या रेखा है, यहां पे हम इस तरह से हमने संख्या रेखा बना ली। अब इसमें हमें यह बताना है कि वर्गमूल 5 कहां पे है। अब वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ना तो वो रिपीट होगा और ना ही वो दशमलव प्रसार खत्म होगा। तो इस तरह की जो संख्याएं हैं, जो अपरिमेय संख्या है, उनको संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम जो पाइथागोरस थ्योरम है, यानी कि जो समकोण त्रिभुज का गुण है, उसको यूज करते हैं। हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के गुण का प्रयोग करेंगे। वो क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाए, तो यहां पे समकोण है, 90 डिग्री का कोण है, तो ये हमारे पास कर्ण है, तो बाकी ये दो भुजाएं हैं। तो आमतौर पे हम इसको आधार मानते हैं और इसको लंब मानते हैं, ये दोनों आपस में बदल सकते हैं, लेकिन कर्ण फिक्स रहता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब यहां पे समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, तो ये हम लिख सकते हैं। अब वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम पहले 5 की दो संख्याओं के वर्ग के बराबर है वो देखते हैं। 5 इसके अंदर जो संख्या लिखी हुई है वो किन दो संख्याओं के वर्ग वर्गों के योग के बराबर है ये देखते हैं। यानी कि अब देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 2 का वर्ग और 1 का वर्ग, क्योंकि 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग होता है 4 और 1 का वर्ग कितना होता है 1, तो 5 को मैंने लिख दिया 2 का वर्ग जमा 1 का वर्ग। अब देखो, यानी कि जो 5 है, जो वर्गमूल 5 है, वो हमारा कर्ण होगा। इस बेस पे हम अपनी रचना करेंगे, तो हमारे पास एक तो क्या आ जाएगा, एक भुजा तो आ जाएगी हमारे पास 2 इकाई, तो यहां पे हमारे पास जो भुजा होगी वो एक तो होगी 2 इकाई, एक होगी 1 इकाई। तो इस तरह से जब हमने बनाया है तो जो तीसरी भुजा होगी वो वर्गमूल 5 इकाई ही बनेगी, वो वर्गमूल 5 इकाई ही बनेगी, इस तरह से जब हम बनाएंगे। अब देखो, इसका एक रफ चित्र बनाते हैं। पहले हमने क्या किया, O और A, ये कितना ले लिया, 2 सेंटीमीटर ले लिया, 2 इकाई ले लिया या 2 सेंटीमीटर ले लिया, हमने इसको 2 इकाई या 2 सेंटीमीटर ले लिया। अब A पे क्योंकि हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में हमें पहले एक समकोण बनाना पड़ेगा, तो ए पे हम समकोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो इस तरह से हम इस पे 90 डिग्री का कोण बना देंगे, ये हमने इस पे 90 डिग्री का कोण बना दिया। अब ये 2 सेंटीमीटर तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, यानी कि ये जो भुजा होगी अब वो 1 इकाई होगी, तो यहां से यहां तक 1 इकाई माप के और यहां पर हम काट देते हैं उसको। अब इसको आप इससे मिला दो, ये हमारे पास बी पॉइंट आ जाएगा। अब देखो, ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, अब 1 सेंटीमीटर है तो देखो ओबी कितना होगा, ओबी हमारा कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग कितना होता है, आधार का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग जमा लंब का वर्ग
यानी कि एक का वर्ग। अब दो का वर्ग कितना हो गया चार और एक का वर्ग कितना हो गया एक, तो कर्ण का वर्ग कितना हो गया हमारे पास, कर्ण का वर्ग हो गया चार और एक पांच, तो कर्ण कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास वर्गमूल पांच। यानी कि ये जो हमारे पास भुजा होगी वो कितनी होगी, वर्गमूल पांच होगी। तो ये इसका बेस है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए इसका बेस है, यानी कि जो वर्गमूल के अंदर संख्या लिखी हुई है उसको दो ऐसी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग के रूप में लिखना है, दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग के रूप में लिखना है। अब उनमें से एक आधार होगी और एक लंब होगी, तो जब उसको हम सोल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो वर्गमूल में संख्या है वो अपने आप ही उसका पता चल जाएगा, उसका माप हमें पता चल जाएगा। तो ये माप हमें इसका पता चल गया कि इसका जो माप है वो कितना होगा, वर्गमूल पांच होगा। अब इसको संख्या रेखा पर हम किस तरह से दिखाएंगे, इसको संख्या रेखा पर दिखाने के लिए हम इसको दोबारा से थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, इसको हमें संख्या रेखा पर दिखाना है, जीरो एक दो तीन चार पांच, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पांच, इस तरह से लिया। अब देखो एक जो भुजा है उस त्रिभुज की वो दो दो इकाई है, दो सेंटीमीटर है, तो दो इकाई यहां से यहां तक दो इकाई हो जाएगी हमारे पास, तो इसको हमने ओ मान लिया और इसको ए मान लिया, तो ये ओ ए होगी हमारे पास दो इकाई। अब हम क्या करेंगे, यहां पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो यहां जब हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो इस तरह से आप इस पे 90 डिग्री का कोण बना देंगे, तो ये हमने इस पे 90 डिग्री का कोण बना दिया। अब हमें ये तो दो इकाई मिल गई, तो ये एक इकाई चाहिए हमें, तो यहां से यहां एक एक सेंटीमीटर माप के यहां पे काट देंगे। तो अब यहां पे हमें ये इसको पॉइंट नाम दे दिया ओ ए, ये पॉइंट हो गया हमारे पास बी, तो ये बी पॉइंट हो गया। अब इसको ओ से मिला दिया, अब ये ओ ए बी ये त्रिभुज बन गई हमारे पास। ये जो भुजा होगी ओ बी ये वर्गमूल पांच आ गई, ये जो भुजा होगी ये वर्गमूल पांच आ गई हमारे पास। अब ये जो वर्गमूल पांच है, ये जो लंबाई है, ये हमें इस पर दिखानी है संख्या रेखा पर। तो हम क्या करेंगे, यहां पे प्रकार की नोक रखें और इतने प्रकार खोल के, यहां पे प्रकार की ओ पे प्रकार की नोक रख के और यहां बी तक प्रकार खोल के हम एक चाप लगा देंगे, हम यहां पे एक इस तरह से एक चाप लगा देंगे। ये चाप जिस जगह पे काटेगी उस पॉइंट को नाम दे देते हैं पी। अब ये जो ओपी होगा, ये जो हमारे पास ओपी होगा, ये हमारे पास वर्गमूल पांच ही होगा, क्योंकि देखो ये ओबी वर्गमूल पांच है, तो जितना ओबी है उतना ही तो ओपी है, क्योंकि हमने ओबी को त्रिज्या मान के एक चाप लगाई है। वृत्त पूरा लगाना चाहते हो तो वृत्त भी लगा सकते हो, तो ओबी हमारी त्रिज्या होगी, तो यहां पे ओबी के बराबर हमने ओपी संख्या रेखा पर काट दिया है, तो इससे हमें पॉइंट पी मिल गया, यानी कि ओपी हमारे पास कितना हो गया, वर्गमूल पांच हो गया। तो प्यारे बच्चों ये इसका बेस है, इसको क्वेश्चन को समझने के लिए आपको शुरू में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन आपको करना क्या है, एक तो वर्गमूल के अंदर जो संख्या लिखी है उसको सबसे पहले दो संख्याओं के वर्गों के योग के रूप में लिखना है। तो यहां से जब आपने ऐसे लिख लिया तो इसका मतलब ये हमारा आधार है और ये हमारा लंब है, एक इनमें से आधार है और एक इनमें से लंब है, तो हमने दो सेंटीमीटर आधार लेके और एक सेंटीमीटर लंब लगा के जब इसको मिलाया तो ये हमारे पास वही संख्या आ जाएगी जो जिसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। हल इसका ये रहा, इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो, ये हल हो जाएगा इस तरह से। अब इसको संख्या रेखा पे हमने ओ से दो सेंटीमीटर लिया या दो इकाई लिया, फिर 90 डिग्री का कोण बनाया और एक एक इकाई उसको काट दिया, जब आप इसको मिलाओगे तो ये वर्गमूल पांच ही है। अब आप दो तरीके है यहां पे, या तो ओ पे प्रकार की नोक रख के और यहां पे पेंसिल रख के एक चाप लगा दो, या फिर ओ पे प्रकार की नोक रख के बी तक माप के और ओ से लेके जहां पे भी संख्या रेखा पर कटता है इसको काट दोगे, यहां पे ये जहां पे कटेगा वो हमारा पॉइंट पी हो जाएगा, यानी कि ये जो ओ पी होगा ये होगा हमारे पास वर्गमूल पांच। आइए इसको प्रकार और पेंसिल की सहायता से करते हैं।
अब देखते हैं प्रकार पेंसिल की सहायता से हम किस तरह से वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले हम एक लाइन लगा लेंगे और उस पर एक एक सेंटीमीटर के बाद पॉइंट्स लगा देंगे और उन पर लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और उधर -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से आप लिख देंगे। तो ये तो आप काम बड़ी आसानी से कर लोगे। अब यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ओ से या ये जीरो से कहो आप जीरो, इसके लिए हम क्या बिंदु लिख लेते हैं ओ से लेके और 2 तक, ये हमारे 2 यूनिट हो गए क्योंकि हमें क्या हमने क्या किया था कि जो 5 था वो किसके बराबर था, 2 का वर्ग जमा 1 का वर्ग इसके बराबर था। तो हमने ओ ए ये कितना ले लिया 2 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक हमने 2 सेंटीमीटर ले लिया। अब हमें ए पे समकोण बनाना है। अब आपको पता है समकोण आप किस तरह से बनाते हो, समकोण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो जिस भी पॉइंट में हमें समकोण बनाना है तो उसके लिए हम आप इस तरह से अब एक बार प्रकार की नोक यहां पे रख ले आप एक चाप लगा दे, अब इसी तरह से यहां पे रख के एक चाप लगा दे, अब एक बार यहां पे रख के ऊपर लगा देंगे और एक इधर से रख के लगा देंगे जहां पे ये काटेंगे उससे मिला देंगे, तो ये हमें समकोण मिल जाएगा। तो ए बिंदु पर ये हमने क्या किया समकोण बना दिया है। तो ए बिंदु पर जब हमने समकोण बनाया तो ये समकोण त्रिभुज में हमें क्या चाहिए, ये तो इस समकोण में हमें क्या चाहिए कि जो हमारी दूसरी जो भुजा है वो 1 सेंटीमीटर है, तो हम यहां से यहां तक या तो 1 सेंटीमीटर की प्रकार खोल के चाप लगा दो या फिर आप स्केल से माप सकते हो, तो स्केल से माप ले यानी कि 0 से लेके और 1 सेंटीमीटर तक, तो 0 से लेके और 1 सेंटीमीटर तक आप यहां से यहां तक माप लेंगे, तो ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर हो गया। आप चाहें तो 1 सेंटीमीटर आप यहां से 0 से लेके और 1 तक 1 सेंटीमीटर खोल के और यहां से फिर आप ये चाप इस तरह से भी लगा सकते हैं। अब आपको करना है क्या, ये हमें क्या मिल गया पॉइंट बी मिल गया, हमें ये पॉइंट बी मिल गया है, तो बी पॉइंट हम इस पे लिख देते हैं। अब आपको क्या करना है ओ के साथ इस बी को मिला देना है, इसको मिला दो। तो अब ये जो समकोण त्रिभुज ओ ए बी जो समकोण त्रिभुज है, ये वाली हमारे पास जो समकोण त्रिभुज है इसकी जो भुजा जो कर्ण आया है ये हमारे पास 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये जो ओबी आया है वो आ गया हमारे पास वर्गमूल 5। अब ये जो लंबाई है इसको हमें संख्या रेखा पर दिखाना है, तो हम क्या करेंगे इस लंबाई के बराबर प्रकार खोल लेंगे यहां पे ओ पे रख के और ये बी तक हमने इसको माप लिया, और ये जो बी तक हमने मापा है इसको इसकी एक चाप ले जाओ संख्या रेखा पर, तो संख्या रेखा तक हम ये चाप ले जाते हैं, ये आ जाएगी हमारे पास। आप चाहो तो सीधा ही ओ से बी तक करके और यहां पे इसको आप यहां पे रख के और नीचे यह संख्या रेखा पर इसको काट देंगे, तो जहां संख्या रेखा पर ये कटेगी जहां पे ये संख्या रेखा पर ये कटेगी तो वो बिंदु हमें मिल गया पी, तो वो बिंदु आ जाता है हमारे पास पी, और ये जो ओ पी है ओ से लेके पी तक ओ पी ये आ जाता है हमारे पास वर्गमूल 5। तो इस तरह से हमने क्या किया वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया, ये हमारे पास वर्गमूल 5 ओपी बराबर है वर्गमूल 5, तो ये हमने वर्गमूल 5 को एपी ये जो पी पॉइंट है संख्या रेखा पर बिंदु पी वर्गमूल 5 को निरूपित करता है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3।